27 जून के करंट अफेयर के सेशन में डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है और मॉक टेस्ट पेपर जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जिन्हें भी जरूरत है कृपया उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मैं उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन को नहीं दबाया है, वो अवश्य करें कि जिससे उनका जो है हर दिन का संपर्क मेरे से बना हुआ रहे। तो चलिए अब करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला सवाल है, एफटीएएफ ने किस देश को ब्लैकलिस्ट में जाने के दिए संकेत। जी हां, ये बहुत ही मुश्किलात भरा एक समय है पाकिस्तान के लिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण उनकी हालत अब पस्त हो चुकी है और शायद ही कोई राहत मिलेगा, क्योंकि आपके जो एफटीएएफ है जिनके ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान को अब डाल दिया जाएगा, इस तरह का जो है संकेत अध्यक्ष जो है मार्शल बिलिंग्सली ने दिया हुआ है। पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्थान के बैठक के बाद पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की आशंकाओं का संकेत दिया गया है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जिस तरह के कदम पाकिस्तान को उठाने के लिए जरूरत था वो पाकिस्तान ने नहीं उठाया। और अगर ब्लैकलिस्ट में माने डाल दिया जाता है तो कोई भी देश किसी भी तरह की आर्थिक सहायता से पाकिस्तान से मुंह मोड़ लेगा और इस तरह पाकिस्तान की जो हालत होगी वो बद से बदतर हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। पहले अरब देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने जो है आपके जो है पहला ये अरबियन कंट्री है जिसे ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग की सदस्यता मिली हुई है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब को थोड़ा सा हम जानबूझ के अभी हम जरा मानचित्र में देखते हैं। देखिए, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद आया ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद सऊदी अरबिया, बीच में हमारा गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है, और सऊदी अरब से नीचे यमन है, ओमान है, और इधर जो है जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, इसराइल है, और बीच में रेड सी है, उसके बाद इजिप्ट आता है, इस तरह सूडान आता है। ये काफी ही एक बड़ा जो है टोटल ही मुस्लिम कंट्रीज हैं ये, और इस कंट्रीज में ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसकी जो मेन जो ये है कि किसी भी तरह की टेरर फंडिंग के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उस पर कड़ी नजर रखा जाए, क्योंकि हम सहायता के लिए पैसे देते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में हो जाता है, और इसे देखने के लिए रोकने के लिए एक सशक्त कदम जो है इस तरह के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा लिया जाता है और जिसकी पूर्ण सदस्यता जो है अभी सऊदी अरब को मिला हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति पर शांति संग्रहालय का उपहार स्वरूप दिया है। तो ये जापान है। जापान ने मणिपुर में जो द्वितीय विश्व मतलब है इंफॉल में जो युद्ध हुआ था उसमें बैटल ऑफ इंफॉल जो है उसकी लड़ाई पे जो है एक क्या कहते हैं स्मृति के रूप में 75 वर्ष की वर्षगांठ होने के अवसर पर एक संग्रहालय जो है मणिपुर को भेंट किया गया है। और ये जो है ये संग्रहालय के लिए जो सबसे ज्यादा जो है निप्पन फाउंडेशन द्वारा जो निप्पन बैटरी है उसके फाउंडेशन द्वारा ये फंडिंग प्रदान किया गया है। इस संग्रहालय में जापानी सैनिकों की डायरी और अन्य संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब्दुल सत्तार जिनकी 88 की आयु में देहांत हो गया, किस देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं और जो है उज़्बक के राष्ट्रपति जो परवेज मुशर्रफ के सरकार में ये विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे थे
और मुशर्रफ की प्रतिमंडल का जो हिस्सा बने हुए थे, जो 2001 की ऐतिहासिक आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आया हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली, ये किस कलाकार की आत्मकथा है? ये अनुपम खेर जी की आत्मकथा है जो आपको 5 अगस्त 2019 को रिलीज किया जाएगा। और इसे जो है अनुपम खेर के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुपम खेर ने खुद ही वर्णन किया है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको ICAO की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया। ये शेफाली जुनेजा जी हैं। शेफाली जुनेजा को जो है भारत के प्रतिनिधि पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। ये जो आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना जो है 1944 में हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से, मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से, पहला चालक दल किस स्थान पर लैंडिंग करके वापसी धरती पर सुरक्षित लौटने में कामयाब हुआ है? यह कजाकिस्तान है। कहानी इस तरह की है कि हाल ही में प्रक्षेपण के दौरान दुर्घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहला चालक दल मंगलवार को, मतलब कल, धरती पर कजाकिस्तान पर सुकौशल मतलब लौट आया। प्रक्षेपण के दौरान हुए हादसे के बाद रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम की वापसी को लेकर काफी संशय बना हुआ था। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एशियाई आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने ब्रोंज पदक जीता है? ये प्रणति नायक हैं। प्रणति नायक जो बंगाल से आती हैं, उन्होंने 2019 की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के इवेंट में, वोल्ट इवेंट में, उन्होंने कांस्य पदक को जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मंगोलिया के उलानबतार में, इसे उलानबतार बोलते हैं, किया गया है। 23 वर्षीय प्रणति नायक जो है वो पश्चिम बंगाल से आती है। अब नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी स्वस्थ रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के अनुसार मेरे को बिहार में टिक करना होगा, जबकि हालांकि हालत ये है यूपी सबसे नीचे 21वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर बिहार में है। तो नीचे से अगर देखा जाए बिहार दूसरे स्थान पर है, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है, और अगर ऊपर से देखा जाए, कल जैसे हमने चर्चा किया था, केरल इस साल भी मतलब दूसरी बार पहले पोजीशन में है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फोर्थ में आपका आता है गुजरात, फिफ्थ में पंजाब और सिक्स्थ में है हिमाचल प्रदेश। और हमें याद रखना होगा सबसे नीचे पायदान जो 20वें स्थान पर है, 21वें स्थान है, वो उत्तर प्रदेश की है। अब नेक्स्ट आते हैं, गुवाहाटी असम के किस मंदिर में वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? देखिए, कामाख्या मंदिर पे ये मतलब है, कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है और ये 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। अंबुबाची मेला देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। देवी कामाख्या को सिद्ध कुबेजिका के रूप में भी जाना जाता है। इस मेले को पूर्व में महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये विश्व भर से लाखों लोग इस मेले में आकर्षित होते हैं। इस बार इस मेले का आयोजन जो है 22 से 26 जून तक किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, गिव इट अप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेल टिकट सब्सिडी के लिए गिव इट अप योजना रेलवे ने बनाया है। इस अभियान का उद्देश्य है भारतीय रेलवे पर यात्रियों की सब्सिडी को कम करना। जी हाँ, ये दोनों ही कथन सत्य है। और आप जान लें कि रेलवे डिपार्टमेंट के अनुसार आप जो आज टिकट खरीदते हैं उसमें रेलवे 47% सब्सिडी देता है
अब अगले महीने से कभी आप टिकट खरीदने जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन पे आप अपना सब्सिडी छोड़ने के लिए आपको अनुरोध किया जाएगा, उसके लिए टिकट का दाम आपको दूसरा देना होगा, और एक है कि आप सब्सिडी के साथ टिकट खरीदें। अब नेक्स्ट आते हैं, ओलंपिक खेलों में 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश ने लॉसेन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। बेसिकली स्विट्जरलैंड में जो ओलंपिक की जो पहली की जो मुख्यालय थी, उस मुख्यालय के को भवन को ही नवीनीकरण किया गया है, और उसमें 95% वही मटेरियल था जिस मटेरियल को पहले इस्तेमाल किया गया था। साथ साथ इसमें आधुनिक के काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, आधुनिकरण का, जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, रेन हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल हुआ है, और इस भवन को निर्माण में $145 मिलियन की लागत लगी है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, योग गुरु बाबा रामदेव की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा लाइफ, माई लाइफ माई मिशन। और ये जो है अगले दो महीने के अंदर, मतलब अगस्त 2019 में ये रिलीज होने वाला है। अब तो एक लगा हुआ है अनुपम खेर जी अपना बायोग्राफी लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी, बाबा रामदेव भी लिख रहे हैं, हर कोई लिख रहे हैं। अब शुरू होते हैं नेक्स्ट पे। कल का जो सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? और 90% लोगों ने संगीत दिवस करके, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस करके एकदम सटीक उत्तर दिया है। इसके लिए मेरे को सबको जो है बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। सही में आपकी तैयारी जो है सही दिशा की तरफ है। अब आज का सवाल है, अमेरिकी विदेश मंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है? और ये जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, आपके याददाश्त में अवश्य होगा, और मैं जानता हूं कि आप सभी का सवाल, सभी का जवाब जो है एकदम सटीक होगा। आपने वक्त दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय, जय हिंद।